कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से जो बुरी तरह जलते हुए एक प्लैनेट में आकर क्रैश हो जाता है। उस स्पेसशिप में फंसे लोग किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाते हैं। तभी वाटसन, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास पैल नाम का एक रोबोट है जिसे वह दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी डेजी, जो कि एक फ्लाइट कमांडर है, मदद के लिए आवाज लगाती है। एक अन्य आदमी स्पेसशिप के नीचे अभी भी फंसा हुआ है और उसकी एक टांग टूट चुकी है। अचानक एक डायनासोर आता है और उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि डेजी के पास वाटसन और पैल आते हैं और डेजी को वहां से छुड़ा लेते हैं। वाटसन डेजी का मुंह बंद कर देता है क्योंकि उसके आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। वे अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि वे किसी अन्य प्लेनेट में हैं। तभी किसी के चीखने की आवाज सुनकर वे आगे बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी घायल है। वे उसे बचाने के लिए एक बूढ़े आदमी फिलिप की मदद लेते हैं। थोड़ी देर बाद डेजी उन लोगों से स्पेसशिप के पीछे के पार्ट शटर को ढूंढने को कहती है क्योंकि उसी के सहारे वे इस प्लेनेट से बाहर जा सकते हैं। डेजी वाटसन को बताती है कि उस बूढ़े आदमी फिलिप को किसी कारण से उम्र कैद की सजा हुई थी। दोपहर में डेजी आराम कर रही होती है तभी एक डायनासोर आता है और डेजी के बगल वाले आदमी को मार देता है। तभी अचानक फिलिप वहां आकर उस डायनासोर को भगा देता है। वे लोग यह डिसाइड करते हैं कि उन्हें शटर जल्द से जल्द ढूंढनी है ताकि वे इस प्लैनेट से बाहर निकल सके। वे आगे बढ़ते हैं जहां कुछ उड़ने वाले डायनासोर एक लड़की की लाश के आगे झुंड बनाकर बैठे होते हैं। वे उन्हें मारकर भगा देते हैं और आगे जाने पर एक बुजुर्ग और एक लड़की मिलती है। वे अपना परिचय देते हैं और वे साथ में आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक बहुत सारे डायनासोर झुंड बनाकर उनकी ओर बढ़ते हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। आगे उन्हें उस नई लड़की के पति की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वह लड़की रोने लगती है। तभी डायनासोर लड़की पर हमला कर देता है जिसे वे लोग मार देते हैं। डायनासोर के हमले के बाद वे काफी थक चुके हैं इसलिए आराम के लिए वे एक जगह सो जाते हैं। तभी उनके पास एक और डायनासोर आता है जिसे देखकर पैल उन्हें जगा देता है। वे लोग वहां से भाग जाते हैं लेकिन वह डायनासोर उनके पीछे ही पड़ जाता है। वे लोग एकजुट होकर उस डायनासोर को खत्म कर देते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी पीछे रह जाता है जिस पर डायनासोर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आता है। वो डायनासोर को आग दिखाकर वहां से भगा देता है। वह आदमी अपना नाम रिच बताता है और बाकी लोगों को अपने पीछे आने को कहता है। रास्ते में डेजी और वाटसन को पैल का टूटा हुआ पार्ट दिखाई देता है। वे रिच के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रिच उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वह उन्हें कहता है कि वह काफी लंबे साल से इस गुफा में रह रहा है। वह उन्हें बताता है वह किस तरह डायनासोर से बचकर अब तक जिंदा है। वाटसन प्यास लगने पर रिच के साथ पानी की तलाश में आगे बढ़ जाता है और गुफा के अंदर डेजी, नई लड़की और फिलिप रुके हुए होते हैं। रिच वाटसन से कहता है कि वे लोग शिप क्रैश होने से वहां फंस गए हैं। वे कुल 9 लोग थे जिनमें से एक अकेला वही बचा हुआ है। गुफा के अंदर बैठे हुए डेजी बूढ़े फिलिप को बताती है कि इस प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए वे जिस शटर की तलाश कर रहे हैं उसमें केवल एक आदमी ही बाहर जा सकता है। फिलिप उसकी यह बात सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है और डेजी को गुफा से भगा देता है। तभी दूसरी ओर रिच वाटसन के ऊपर हमला कर देता है। रिच एक नरभक्षी था, वह उसे मारना चाहता है। तभी डेजी दौड़कर गुफा में फिलिप के पास आती है और उन्हें वहां से निकलने को कहती है क्योंकि उसने गुफा के बाहर कुछ इंसानों की हड्डियां देखी जिसे देखकर वह समझ गई थी कि रिच ने ही उन्हें मारा है। रिच वाटसन पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन चुरा लेता है और उसके बाद वह डेजी के पास जाता है और उसे घायल कर देता है। वह उस नई लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर वाटसन के पास एक डायनासोर आता है। तब तक फिलिप भी वहां पहुंच जाता है। फिलिप का पीछा करते हुए एक दूसरा डायनासोर भी आ जाता है जिन्हें वे लोग चालाकी से मार देते हैं। फिलिप और वाटसन दोनों डेजी के पास पहुंचते हैं। रिच लड़की को ले जा रहा होता है।
वह लड़की रिच से कहती है कि वह उसे छोड़ दे और सटर के मिलने पर वहां से चला जाए, लेकिन रिच उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ ले जाता है। उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को देखकर डेजी वाटसन और फिलिप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस प्लेनेट में रेडिएशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दिन वहां रहने पर इंसान पैरालाइज हो जाता है, जैसा कि उस नरभक्षी रिच के साथ हुआ था। इसी कारण से वह रोबोट पैल भी ज्यादा रेडिएशन सोखने की वजह से टूट गया। इसलिए इस प्लेनेट के संपर्क में जो भी स्पेसशिप आता है वह क्रैश हो जाता है। रिच उस लड़की को आगे ले जाते समय लावे के पहाड़ को देखकर खुश हो जाता है और उस पहाड़ को अपना मालिक बताता है। तभी लड़की रिच पर हमला कर देती है, जो कि काफी बीमार लग रही थी। रिच के पूछने पर वह कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। रिच लावे के पहाड़ को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसे अपनी रानी और बच्चा दोनों मिल गया था, जिसके सहारे वह अपना नया परिवार बसा सकता है। फिलिप, डेजी और वाटसन रिच की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी बैल्कनों की वजह से एक भूकंप का झटका लगता है। डेजी एक खाई में गिरने वाली होती है कि वाटसन उसे बचा लेता है। तभी एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है। वे डायनासोर से पहले ही परेशान होते हैं कि दूसरा डायनासोर भी वहां आ जाता है। उनकी मुसीबत बढ़ जाती है। फिलिप डायनासोर पर हमला कर देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। तभी वहां एक बड़ा सा डायनासोर आता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी डायनासोर डर कर भाग जाते हैं। डेजी और वाटसन फिलिप को वहां से ले जाते हैं और दूसरी ओर रिच को वह सटर दिखाई देता है, जिसके सहारे वह इस प्लेनेट से जा सकता है। फिलिप डायनासोर के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए वह उन दोनों को उसे छोड़कर आगे चले जाने को कहता है, क्योंकि फिलिप को लग रहा था कि वह अब मरने वाला है। वाटसन और डेजी के वहां से जाते ही डायनासोर फिलिप को मार देते हैं। दूसरी ओर रिच सटर को देखकर खुश हो जाता है कि तभी डेजी और वाटसन वहां आ जाते हैं। तब तक डायनासोर भी वहां पहुंच जाते हैं। एक ओर डेजी डायनासोर पर हमला कर देती है और दूसरी ओर रिच वाटसन को घायल कर देता है। वाटसन रिच से लड़ रहा था कि अचानक एक डायनासोर आकर रिच को खा जाता है। चूंकि सटर में एक ही व्यक्ति जा सकता था, इसलिए डेजी और वाटसन नई लड़की को सटर में बैठाकर वहां से जाने देते हैं और वे दोनों डायनासोर से लड़ने लगते हैं। मूवी के अंत में वह नई लड़की सटर से स्पेस सेंटर में संपर्क करते हुए अपना नाम मिस गेल जॉन बताती है और हमारी कहानी यहाँ अधूरी ही समाप्त हो जाती है। लेकिन तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।